एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। 1.2 बहुत आसान है, एक ही फॉर्मूला लगना पूरी एक्सरसाइज में, एक से ही क्वेश्चन है, बहुत आसान है। एलसीएम और एचसीएफ की है और आपने करी होगी। पहला पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 1 का, पहले का 140 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। बहुत आसान है, छोटी क्लास में आपने करे होंगे। 2 से डिवाइड करो 70 बार, 2 से डिवाइड करो 35 बार, 5 से कटेगा 7 बार, 7 से कटेगा 1 बार, तो आप ये निकाल सकते हो। 140 दो संख्या है, यदि हमारे पास दो संख्या है तो उन्हीं दो संख्या का गुणनफल, उन्हीं दो संख्याओं का गुणनफल, उन्हीं संख्या के एचसीएम और उन्हीं संख्या के एलसीएम, आप उनकी मल्टीप्लाई कर दो उसके इक्वल होगा। किन्हीं भी दो संख्याओं का गुणनफल उन्हीं दो संख्याओं के एचसीएम और उन्हीं दो संख्याओं के एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है। मैं अपने पास एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन नंबर 2 का 26 और 51, 26 और 51, आप 26 से अगर फैक्टर कर दो, 26 को 1, 2, 3, 1 सभी के साथ मिला जब आप 91, 1, 7। अब देखो पहले निकालो एचसीएफ, एचसीएफ एक्सेप्ट आ जाएगा, एक तो एक दोनों में पूरा है और एक पार्टी, तो 1 1 5 पार्टी, यानी 13 कितना आ जाएगा एक्सेप्ट। और एलसीएम क्या आ जाएगा, जो कॉमन है वो 1 और 13, और जो कॉमन नहीं है वो ना 2 भी नहीं है ना 7 भी, यानी 26 37 40 42 44 180। इनका एचसीएफ आ गया 13 और एलसीएम कितना आ गया 180। क्लियर? अब देखो इन्हीं दो संख्याओं, ये दो संख्या क्या है, आप फॉर्मूला लिखोगे दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर इन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम गुणा इन्हीं दो संख्याओं का एचसीएफ। संख्या कौन कौन सी है, 26 और 51, और इनका एक्सेप्ट कितना है, एक का 13 और एक का 182। जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे दोनों इक्वल है, आपको स्वयं किसी
ग्राउंड का चक्कर लगा रही है 18 मिनट में, और रवि लगा रहा उसी ग्राउंड का चक्कर 12 मिनट में। तो दोनों यदि एक स्टार्ट एक पॉइंट से चलना स्टार्ट करें तो कितने समय बाद दोबारा मिलेंगे, बस इस क्वेश्चन में 18 का और 12 का आपको एलसीएम निकाल देना, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि कब स्टार्ट करेंगे दोबारा कब मिलेंगे, एक स्थान एक ही टाइम से एक ही स्थान से चलना चालू करते हैं तो कितनी देर बाद मिलेंगे, केवल एलसीएम निकाल देना 18 का और 12। लगभग आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है, जितना रिविजन करोगे उतने ही अच्छे से समझ में आएगा।